बहरूपिये से, उस छलिए से प्रेम करती हो, उससे जिसके माता पिता तक उसके नहीं है। ये कैसी व्यर्थ की बातें कर रहे हो तुम? उसका परिवार है, प्यारी सी माँ है, पिता है। कितनी भोली हो तुम, मूर्ख बनाया है उसने तुम्हें। और जिसे तुम उसका पिता समझती हो वो उसका पिता नहीं है, और जिसे तुम उसकी माता समझती हो वो उसकी माता नहीं है। और इस प्रकार से तो यदि वो तुम्हें अपनी प्रेमिका कहता है तो कदाचित तुम उसकी प्रेमिका भी नहीं हो। झूठ कह रहे हो तुम। सत्य है ये। और तुम जानना चाहती हो कि उसके वास्तविक माता पिता कहाँ हैं? कंस के कारागार में बंद है। इतने वर्षों तक तुम्हें भ्रम में रखा उसने। नहीं, यह असंभव है। मूर्ख कन्या, अपने अश्रु संभाल के रख, क्योंकि जिस दिन उस मायावी का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा वो तुम सबको छोड़कर अपने वास्तविक माता पिता के पास लौट जाएगा। वो तुम्हें भी छोड़ देगा। उस समय तुम्हें बहुत क्रोध आएगा, दुख भी पहुंचेगा, रोना भी आएगा, किंतु तुम चिंता मत करो, उसका अंत निकट है। बस। कृष्ण के विषय में बहुत सी अभद्र बातें कह चुके हो, उसकी मृत्यु की इच्छा की है, तुम्हें इसका फल भुगतना ही होगा। ये प्रेमिका का श्राप है, तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है। मूर्ख कन्या, मैं प्रलंबासुर हूँ, मैं तो काल ज्ञानी हूँ, भविष्य देख सकता। तो असुर अपने निकट भविष्य का विनाश भी देख ले। मेरा विनाश कोई नहीं कर सकता, किंतु मैं सबका विनाश अवश्य कर सकता हूँ। समय की ही नहीं, मेरे पास शारीरिक बल भी है, और इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे अधिक शक्तिशाली पहलवान कोई भी नहीं। अब कृष्ण को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जिस शारीरिक शक्ति पर तुझे अहंकार है वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, यही मेरी इच्छा है। तेरी जो भी इच्छा हो, किंतु मृत्यु तो अब कृष्ण की ही होगी। प्रलंबासुर ने कृष्ण को स्पर्श कर लिया, जो वो चाहता था वो उसे मिल गया। अब तो सब कुछ वैसे ही होगा माँ, जैसा हम चाहते हैं। मैं जो आ गई, आयन प्रसाद लेकर आ। तेरे लिए प्रसाद लाई। हम तीनों ये प्रसाद साथ में ग्रहण करेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। आ चले। आप दोनों भी उस पाखंड कृष्ण के जाल में फंस गए। कर्म का कोई पंडित होता ही नहीं है। ये सत्यनारायण की पूजा तभी अपवित्र हो गई थी जब एक ब्राह्मण को छोड़ एक ग्वाले ने इसका संचालन किया था, और जब ये पूजा ही अपवित्र थी तो ये प्रसाद भी अपवित्र हुआ ना। ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? अब यहाँ अर्थ अनर्थ क्या होगा इसका निर्णय मैं लूंगी। आप दोनों बस मेरा अनुसरण करते जाओ, मैं आप दोनों को बस सब कुछ दूंगी जो आपको चाहिए। जिसे तुम उसका पिता समझती हो वो उसका पिता नहीं है, और जिसे तुम उसकी माता समझती हो वो उसकी माता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अरे राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधा, वो कान्हा तुम्हें खोज रहा है, आओ चले। दाऊ, thank you.
दाऊ आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं, है ना? क्या मेरे एक प्रश्न का सही सही उत्तर देंगे? अवश्य। मैंने एक असुर से सुना कि कृष्ण के वास्तविक माता पिता कंस के कारावास में बंद है। नंद बाबा उसके बाबा नहीं है, यशोदा मैया उसकी माता नहीं है। बताइए दाऊ क्या इसमें से एक भी बात रंच मात्र भी सत्य है? ये सारी बात केवल रंच मात्र ही नहीं अपितु शत प्रतिशत सत्य है, सत्य है, सत्य है। किंतु राधा, कान्हा किसी का ना होकर भी सबका अपना ही तो है ना? समस्त ब्रह्मांड में मेरे कान्हा जैसा कोई भाई नहीं है। यशोदा मैया का सबसे प्रिय पुत्र नंद बाबा का लाडला है वो। समस्त बरसाना और वृंदावन को उससे अत्यंत प्रेम है राधा। राधा तुम स्वयं कान्हा से कितना अनंत प्रेम करती हो, परिशुद्ध प्रेम करती हो ना? क्योंकि कान्हा स्वयं हम सबसे अनंत प्रेम करता है। राधा, कान्हा जैसा भाई, उसके जैसा पुत्र, उसके जैसा मित्र और उस जैसा प्रेमी इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। राधा फिर मुझे बताओ, इस बात से क्या अंतर पड़ता है राधा कि वो किसका पुत्र है? जितनी मेरी समझ है राधा, मुझे तो यही लगता है कि हम सब कान्हा के ही हैं और कान्हा हम सब का। ये जो बात तुमने आज जानी है ना राधा, ये केवल कान्हा और मुझे ही ज्ञात है। किंतु यदि ये बात सबके समक्ष उजागर हो भी जाती है, यदि सबको इसका ज्ञान हो भी जाता है ना राधा, तो भी मुझे पूर्ण विश्वास कि तब भी लोगों के मन में कान्हा के प्रति प्रेम कम नहीं होगा। तब भी लोग कान्हा से उतना ही प्रेम करेंगे जितना वो आज उससे करते हैं। तुम ही कहो राधा, क्या ये सब जान लेने के पश्चात तुम्हारे मन में कान्हा के प्रति जो प्रेम है उसमें लेश मात्र की भी कमी हुई है? क्या ये सब जानने के पश्चात तुम्हारे प्रेम में कोई परिवर्तन आया है राधा? परिवर्तन आया है दाऊ, कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम और भी अधिक बढ़ गया है। और केवल प्रेम ही नहीं, उसके प्रति मेरा आदर भी बढ़ गया है। अपनों के साथ अपना बनकर रहना सरल है, किंतु परायों के मध्य अपना बनकर रहना असंभव है, चमत्कार है जो केवल कृष्ण ही कर सकता है। धन्यवाद दाऊ मुझे ये सत्य बताने के लिए, किंतु मुझे आपसे कुछ और भी चाहिए। तो कहो राधा। एक वचन दीजिए कि आप ये कृष्ण को नहीं बताएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उसे ऐसा लगे कि यशोदा मैया और नंद बाबा उसके माता पिता नहीं है। ये जानकर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम नहीं, दया भाव आ गई। कितना शुद्ध प्रेम है ये, उसके रक्षा के लिए तुम इतनी दूर की सोच रही हो राधा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं कान्हा को ये सब नहीं बताऊंगा, किंतु तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा राधा। अपनी इन अश्रुओं की धाराओं को रोकना होगा। रोकोगी ना? आप चलें। नीचे कैसे गिरा?
पापा तो ऐसा कर नहीं सकते। अब ऋषि जटिला माँ अयन्या ननद जी ने ऐसा किया होगा।